बिग बॉस 16 में टीना दत्ता और शालीन भनोट के बीच की नजदीकियां उन दिनों काफी चर्चा में हैं। हालांकि इस लव एंगल को कोई फेक बता रहा है तो कोई रियल कह रहा है। दोनों के बीच कई बार तू तू मैं भी देखने को मिलती है, लेकिन बाद में वो फिर एक साथ आ जाते हैं। बीते एक एपिसोड में दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला। जब शालीन टीना पर चिल्लाए तो एक्ट्रेस को अपना पास्ट रिलेशनशिप याद आ गया। उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तुलना शालीन भनोट से कर डाली। हुआ यूं कि शालीन भनोट के हाथ में चोट लग गई थी जब वह बर्तन धो रहे थे, तो टीना उनकी मदद करने के लिए आई, लेकिन एक्टर ने साफ मना कर दिया। शालीन भनोट टीना पर चिल्लाने लगी। टीना गुस्से में निमृत के पास चली जाती है और शालीन की हरकत के बारे में बताती है। टीना अपने पास्ट रिलेशनशिप को भी याद करते हुए शालीन की तुलना अपने एक्स बॉयफ्रेंड से करती है। टीना कहती है, इसने अभी जिस तरह से मेरे से बात की, मेरे एक्स की याद आ गई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। वह चला भी गया तो मुझे 2 मिनट उस चीज से बाहर निकलने में लगा। टीना कहती है कि शालीन उनके टाइप का नहीं। हालांकि बाद में शालीन और टीना एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और टीना उन्हें साफ लफ्जों में कहती है कि वह इस तरह से उनके साथ नहीं रह सकती हैं। बता दें कि टीना दत्ता ने एक इंटरव्यू में उनके दर्दनाक रिलेशनशिप पर बात की थी। टीना ने बताया था कि उन्होंने 2015 में अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया था। एक्स बॉयफ्रेंड से वो एक कॉमन दोस्त के जरिए मिली थी। इस रिश्ते में टीना को खुशी की बजाय सिर्फ गम ही मिले। टीना कहती है, उनका बॉयफ्रेंड उन्हें परेशान करता था। वो इतना सख्त इंसान था कि उन पर हाथ उठाने से पहले एक बार नहीं सोचता था। टीना दत्ता काफी वक्त तक अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। वो खामोश रही और जब चीजें उनके बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उन्होंने बोलने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें, शालीन तलाकशुदा हैं और वो एक बेटे के पिता हैं। उन्होंने टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर से शादी की थी। शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया। हालांकि शादी के कुछ समय बाद इनका रिश्ता बिगड़ने लगा। साल 2015 में शालीन भनोट और दलजीत कौर ऑफिशियली अलग हो गए थे। हालांकि इनके रिश्ते का अंत काफी बुरा हुआ। तलाक के बाद दलजीत ने शालीन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। दलजीत ने उस वक्त यह भी कहा था कि उन्होंने अपने पति को किसी गैर औरत के साथ किस करते भी देखा और जब उन्होंने इस पर नाराजगी जताई तो शालीन उनके साथ बुरा व्यवहार किया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।